क्या आपको कॉग्निजेंट में इंटरव्यू देना है? अगर आपको कॉग्निजेंट में इंटरव्यू देना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि मैंने खुद कॉग्निजेंट में इंटरव्यू दिया था और रिजल्ट उसका क्या था वो तो आपको एंड में पता चलेगा, बट डेफिनेटली आई वॉज ट्राइंग टू स्विच इन कॉग्निजेंट और उसी वजह से मेरे को पूरा इंटरव्यू प्रोसेस क्या रहता है उसका आइडिया आ गया है और वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, सो दैट आप अगर कॉग्निजेंट में इंटरव्यू देना चाहते हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी होने वाला है। सो विदाउट मेकिंग एनी मोर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले जिस रोल के लिए मैंने इंटरव्यू दिया था दैट इज कंसल्टेंट रोल, और जो लोकेशन के लिए मैंने इंटरव्यू दिया था दैट वॉज इन हैदराबाद, ठीक है, और जो डोमेन था दैट वॉज इन टेलीकॉम डोमेन। सो ये जो मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ ये पर्टिकुलर रोल के रिलेटेड है। डेफिनेटली बाकी अगर रोल्स रहेंगे तो उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है प्रोसेस में, बट अदरवाइज चांसेस है कि जो प्रोसेस रहेगा वो यही लाइंस में सिमिलर रहने वाला है। सो जो इंटरव्यू प्रोसेस था वो बेसिकली 3 steps थे उसमें। फर्स्ट वन वॉज टेलीफोनिक इंटरव्यू, सेकेंड वॉज फेस टू फेस इंटरव्यू, और थर्ड राउंड होता है HR इंटरव्यू इन कॉग्निजेंट का हायरिंग प्रोसेस। सो सबसे पहले जो टेलीफोनिक इंटरव्यू था बेसिकली मुझे HR ने कॉल किया था और HR ने कॉल करके मेरे से डिटेल्स पूछे थे। वो बेसिक डिटेल्स थे कि मुझे टेल मी अबाउट योरसेल्फ पूछा था, मेरा जो करंट ऑर्गेनाइजेशन में रोल है उसके बारे में इनडेप्थ पूछा था, और जो जॉब रोल और डिस्क्रिप्शन है उसके डिटेल्स मुझे दिए थे HR ने, और उसके बाद में मैं क्यों बेटर फिट हूँ फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब इसके बारे में मुझे इनडेप्थ पूछा था, और वो जो डोमेन है वो डिफरेंट था दैट्स द रीज़न मुझे डोमेन के बारे में नॉलेज है क्या, डोमेन के बारे में क्या नॉलेज है, ये सारा जो चीज़ें थे वो मुझे टेलीफोनिक राउंड में मेरे रिक्रूटर ने पूछे थे। ये जो टेलीफोनिक राउंड था ये 10 to 15 minutes का था, और ये ख़त्म होने के 1 to 2 days बाद मुझे ये पर्टिकुलर राउंड का रिजल्ट मिला था। वो रिजल्ट मिलने के बाद में मुझे कॉग्निजेंट से इंटरव्यू के डिटेल्स आए थे, वो इंटरव्यू इनवाइट का जो स्क्रीनशॉट है वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा। सो दैट वाज द फेस टू फेस इंटरव्यू और सेकंड राउंड जो मेरा था इन कॉग्निजेंट। अभी ये जो सेकंड राउंड था दैट इज फेस टू फेस इंटरव्यू, ये मेरा लिया था जो हायरिंग मैनेजर होता है उसने लिया था, ठीक है, उसका मैं नाम नहीं रिवील कर सकता हूं, बट ये जो सेकंड राउंड होता है उसमें ज्यादा करके जो जॉब रोल रिलेटेड और जो टेक्निकल रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं वो सारे पूछे जाते हैं। तो मुझे जैसे कि मैंने जॉब रोल था कंसल्टेंट जिसके लिए अप्लाई किया था, तो ये जो राउंड था इसमें मुझे ज्यादा करके कंसल्टेंट या फिर बिजनेस एनालिस्ट जो जॉब रोल है उसके बारे में पूछा गया था, जैसे कि मैं कैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करता हूँ, कैसे मैं चेंज रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता हूँ, कैसे रिक्वायरमेंट गैदरिंग फेस किया जाता है, डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या करते हैं हम लोग हमारे डे टू डे लाइफ में, ये सारा जो मेरा करंट ऑर्गेनाइजेशन में जो जॉब रोल था वो अंडरस्टैंड किया था वो जो मेरा हायरिंग मैनेजर था उसने, और ये सब चीजें होने के बाद में ये जो इंटरव्यू था जो अराउंड 30 to 40 minutes चला था। आई विल से कि ये जो सेकंड राउंड था इसका डिफिकल्टी लेवल वॉज नॉर्मल, ज्यादा भी टफ नहीं था, ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस नहीं पूछे थे, बट डेफिनेटली इजी भी नहीं था। सो आपको जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होता है उसके बारे में एक थरो नॉलेज होना इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपको ये सेकंड राउंड क्रैक करना है। ये सेकंड राउंड का जो रिजल्ट है वो एक्चुअली मुझे HR ने बताया नहीं, और मैं डेफिनेटली ये मैंने खुद किया था मेल उनको 2 बार किया था, उसके बाद में भी मुझे कुछ रिप्लाई नहीं आया। सो आफ्टर 2 weeks मैंने डायरेक्टली HR को कॉल किया था और वो रिजल्ट्स के बारे में पूछा था। अभी मेरा रिजल्ट क्या आया था वो मैं एंड में आपको बताऊंगा, बट ये जो टेक्निकल राउंड होता है या फिर सेकंड फेस टू फेस राउंड होता है उसके बाद में जो फाइनल राउंड होता है दैट इज HR राउंड। HR राउंड में बेसिक से डिटेल्स आपके बारे में पूछे जाते हैं कि आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, और जो टेल मी अबाउट योरसेल्फ जो बेसिक HR के क्वेश्चंस होते हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको HR राउंड में पूछे जाते हैं कॉग्निजेंट के। ये राउंड कंडक्ट किया जाता है फ्रॉम ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट और ज्यादा डिफिकल्ट नहीं रहता है, इजी टू क्रैक रहता है। सो दिस इज द इजीएस्ट स्टेप आई विल से इन द एंटायर हायरिंग प्रोसेस। सो ये था एक ओवरव्यू अबाउट द कॉग्निजेंट का हायरिंग प्रोसेस जो पूरा रहता है जो मैंने गो थ्रू किया था, एंड इट वॉज रियली गुड एक्सपीरियंस। कॉग्निजेंट का जो हायरिंग प्रोसेस रहता है काफी स्मूथ रहता है, काफी क्विक रहता है। एक बुरी चीज जो मुझे ये हायरिंग प्रोसेस में दिखी दैट इज कि HR ने रिवर्ट बैक नहीं किया था, मुझे खुद उनसे कॉल करके फॉलो अप लेना पड़ा फॉर द इंटरव्यू रिजल्ट्स। या हायरिंग प्रोसेस का जो रिजल्ट था दैट वॉज नॉट सिलेक्टेड, मैं सिलेक्ट नहीं हुआ था कॉग्निजेंट में, और उसी के वजह से शायद से HR ने मुझे रिवर्ट नहीं किया था, मुझे खुद फॉलो अप करना पड़ा था। दैट वॉज द ओनली डाउन साइड, एंड अदर देन दैट अगर लर्निंग की बात करेंगे तो दिस वॉज रियली गुड एक्सपीरियंस। मुझे एक अच्छी खासी MNC जो बड़ी MNC है दैट इज कॉग्निजेंट, कैसे इंटरव्यूज कंडक्ट करते हैं, कैसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में एक अच्छा खासा ओवरव्यू मिला था, जिसने मुझे हेल्प किया था बाकी ये कंपनीज में इंटरव्यू देने के लिए। सो आई होप कि ये जो मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस था इन कॉग्निजेंट कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा अगर आपको कॉग्निजेंट में इंटरव्यू देना है। डेफिनेट
डेफिनेटली दिस वॉज स्पेसिफिक टू दिस पर्टिकुलर रोल दैट इज कंसल्टेंट, दूसरे रोल्स के लिए थोड़ा बहुत प्रोसेस चेंज हो सकता है। अगर आपको जानना है कि इंटरव्यूज कैसे क्लियर करने हैं तो मैं आपको डेफिनेटली आई बटन में वीडियोस दे दूंगा जो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे इंटरव्यूज क्रैक करने के लिए। और ऑल्सो अगर आपको 1-to-1 काउंसलिंग सेशंस चाहिए तो उसका जो लिंक है मैं डेफिनेटली आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे आप रजिस्टर कर सकते हो और हम लोग 1-to-1 कनेक्ट कर सकते हैं टू सॉल्व एवरी डाउट रिलेटेड टू योर करियर। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं लाता रहता हूं। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।